Similarly, Justin Bieber was diagnosed with Ramsey-Hunt syndrome. Is it really Ramsey-Hunt syndrome, or could it also have been Bell's palsy or a stroke? Okay, yeah. See, this is a big confusion because these are differentials. When we are conducting an examination, ek physical assessment ek patient ki ho rahi hoti hai. So these are differentials. Matlab ye bhi ho sakta hai. You are right, but we have to rule it out. As once we see the patient in reality, in person, तो हम एक पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का जस्ट टू रूल आउट वेदर दिस इज नॉट स्ट्रोक और नॉट बेल्स पाल्सी इट हैज़ टू बी रामसेहंट सिंड्रोम इफ इट इज़ रामसेहंट सिंड्रोम इट इज़ फॉलोड बाय अ चेन ऑफ डायग्नोसिस एंड टेस्ट टू परफॉर्म दोज टेस्ट वी हैव टू आस्क द पेशेंट फॉर देयर कोऑपरेशन बिकॉज MRI भी होती है कई पेशेंट्स जो हैं वो क्लस्टरफोबिक होते हैं सो वी हैव टू गेट द MRI डन the cranial nerves of the brain to see and rule out if there is no stroke or evolving stroke or a transient ischemic attack or Bell's palsy for that matter. And Bell's palsy ke liye different diagnosis hote hain or different line of treatment hai. Most probably matlab same hi jata hai, ek hi line of treatment pe jata hai, but kai dawaiyan usme change ho jati hain depending on the symptoms of the patient. Antiviral usme bhi chalta hai, isme bhi chalate hain, but जैसे कई जगहों पे स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं चलाते इट ऑल डिपेंड्स बेसिकली अगर आप एक पेशेंट को देख रहे हैं दिस इज़ अ जॉब ऑफ अ न्यूरोलॉजिस्ट टू प्रॉपरली एग्जामिन द पेशेंट अंडरस्टैंड इट असेस द पेशेंट एंड अकॉर्डिंगली देन मूव फॉरवर्ड सो दैट इट कैन बी रूल्ड आउट बट इन द न्यूज़ व्हाट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ जस्टिन बीबर ही हैज़ बीन प्रॉपरली डायग्नोस्ड विद रामसेहंट सिंड्रोम फॉलोइंग प्रॉपर सीरीज ऑफ टेस्ट विच वर डन ऑन तो EMG भी उनके ऊपर कराई गई थी उनके ऊपर उनका MRI क्रेनियल नर्व्स भी कराया गया था ब्रेन भी कराया गया था जस्ट टू रूल आउट कि उनके साथ कोई स्ट्रोक या कोई फेशियल सॉरी बेल्स पाल्सी नहीं हुई है दिस इज जस्ट रामसेहंट सिंड्रोम और ऑल्सो नोन एज फेशियल पाल्सी इन हिज केस सो यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द डिफ्रेंसिएशन हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय द पेशेंट और अगर आपको या किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है दे हैव टू बी अ लिटिल फास्ट इन अप्रोचिंग द डॉक्टर सो दैट इट कैन बी रूल्ड आउट इवन स्ट्रोक फॉर दैट मैटर इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी अगर बाई चांस उनको स्ट्रोक भी है तो एटलीस्ट एट दैट गिवन टाइम एटलीस्ट उनको राइट ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस मिल सकते हैं बिकॉज इन स्ट्रोक ऑल्सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम विंडो So in that case also the patient can get a good amount of the doctor can get good amount of treatment option but otherwise agar wo time window chala gaya then we have very limited options for the patient so yes if you're facing facial weakness and or you're having ear pain or you're having ear infection just go and see a doctor immediately that's what my concern is